अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और सुबह सुबह उठ गई। कल रात को थोड़ा सा भी सो भी नहीं पाई क्योंकि मेरे पति घर से चली गई थी। तो अभी मैं फटाफट जाऊँगी और सुबह भी जाना है और मैं बैग ले लिया हूँ। पीछे से जाऊँगी मैं, पीछे रास्ते से मेरी मासी के साथ। और चलिए मार्केट में जाके मिलते हैं। और यहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल टाइप की साफ सब्जी मिल रही है तो ले रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे हम लोग क्या क्या लेने वाली है। तो उन्होंने केला ले लिया है। अभी सीधा जाके मैं मछली बाज़ार में लेके चलूँगी आपको। तो ये है फिश मार्केट, यहाँ पे पूछ के देखते हैं कितना है और कौन सा लेने वाले है। ये दोनों में से ये रेड रेड वीडियो शूट नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम थी इसके लिए। तो चलिए दिखाती है मैं क्या क्या लेके आई और उसके बाद खाना बनाऊंगी। ये मैं सुबह ये बर्तन निकाला था कुछ काम के लिए, बट वो काम ये है मेरी। मैं मार्केट से चाय का पत्ती ऐसे ही लेके आई, कभी कभी मैं चाय पीती हूँ। और दो चार तीन करेला एंड सम्स, ये है पम्पकिन का जो ये होता है तो क्या बोलता है वो, और आलू फूलगोभी और थोड़ा सा धनिया पत्ता, ये है फूलगोभी। और फिश, फिश 1.5 किलो लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिन के लिए। तो इसको अभी मैं मतलब क्लीन कर लेते और आप लोग मेरे साथ बने रहिए।
पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक इसको मैं यूज करूँगी। ऐसे तो मैं सुबह बनाती थी राइस यहाँ पे और यहाँ पे बॉयल सब्जी, जैसे हमारी ट्राइबल ट्राइब की सब खाती है वैसे बनाया। और यहाँ पर बैंगन का चटनी, तो बैंगन का चटनी मैंने यहाँ पे ड्राई फिश डाली हुई थी कल रात का, तो सुबह के लिए तो ये हो जाएगा ये दोनों, बट ये मैं जस्ट फ्राई करूँगी। आज तो मुझे जाना भी है शादी में, तो हमारी जैसे कि रिसेप्शन पार्टी भी या शादी हो हमारी ट्राइब के कोई कोई दिन में कर लेता है, तो इसीलिए मैं ये फ्राई करके जाऊँगी। और फुकास नहीं हो रही है यार, हाँ मैं रात में आके बनाऊँगी। तो अभी इसको मैं फ्राई कर लेते, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलूँगी। क्या है दिखा, सबको बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी नींद से उठी हूँ। गाइस अभी उठाए और इधर ये है बिस्तर का हालत, और नीचे ये मैट हम लोग दुकान के लिए लिया था और थोड़ा बच गया था इसलिए घर में लगा लिया है। ये पूरा क्लीन होने के बाद दिखाऊंगी गाइस, इतना ग्रीन ग्रीन इतना अच्छा लग रही थी ना, मैंने मतलब मैं अभी आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, मतलब ये पढ़ाई नहीं करेगी बट देखो बुक्स लेके खेलता है हर टाइम। तो ये सब क्लीन करना है और बाकी काम तो हो गया है, ये भी क्लीन करना है, इधर हो गया, ये भी कपड़ा सब रखना है अंडर वार्डरोब के अंदर, और किचन तो मतलब हाफ क्लीन है। और अभी मैं खाना बनाने के बाद क्लीन कर लूँगी, अभी यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करूँगी, खाना मतलब क्या फ़िश फ्राई करने के बाद ही मेरे काम ख़त्म। तो अब लोग बने रहिए, और इधर है मेरी बेटी। तुमको लिखना आता है, ABCD लिखना आता है? तो उसको ABCD लिखना नहीं आता है, बट ये झूठ बोल रही है, उसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये गंदी बच्ची है। मैं तुमको क्या पसंद? ओ बल्टी क्लेने पसंद भी तो फुल हो तुमको, यही तुम उल्टा सीधा ये क्या बोल रही हो? बोलो एवरीवन आई मिस यू, मैं आप सबको मिस करती हूं। खरीदने के लिए जाना है बाल्टी क्ले, वो काफी दिन से बोल रही है, 2-3 दिन हो गए है बाल्टी क्ले चाहिए, मैं लेके नहीं दिया, आज मैं जरूर ला के दूंगी इसको। तो अभी फिश फ्राई जल्दी से कर लेते हैं और पटरपट और घर को क्लीन कर लेते, तब तक मेरा दिमाग ठीक नहीं होगा, घर ऐसे मतलब क्लीन नहीं रहने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अभी तुम यहाँ पे खड़ा हो जाओ, तुम यहाँ पे खड़ा हो जा, हाँ तो बोलो मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बाद में, ऐसे मत करो। इधर बन गई है फिश फ्राई और यहाँ पे है सर, और ये बस जो पेट का पीस होता है वो, यहाँ पे फिश का तेल और ऑनियन कट के रखा है, यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जेसिका के लिए आलू भाजी। तो मेरा काम तो लगभग ख़त्म हो गई है, इधर मैं खाना बना के पूरा मतलब किचन में क्लीन कर दिया। और देखो मेरे घर में इतना चिटिया आती है ना, राइस बनाया अभी, इसका साइड में थोड़ा सा लग रहा है, तो यहाँ बाहर से निकल के इधर इतना तक पानी आ जाती है ना वो बनाने के टाइम, तो इसलिए इतना चिटिया आती है। अभी भी गर्म है फिर भी उन लोग आ गई है, देखो क्या करो, बाहर आज बहुत अच्छा धूप दिया है। बर्तन धोना रह गया, मैं बाद में धोऊंगी उसको, और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, रेस्ट करने के बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद साथ में बर्तन धो लूंगी। किसका पार्सल है ये, किसका ये? पाउडर 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 नहीं है ये है? सलीका है, सलीका सलीका जेल, ये तो मेरा है। ना एकदम मेरा है भैया, ओपन दो, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, दीदी न्यू आ गया, ओ वाह वाह माय गॉड,
कितना खुश हो तुम? नहीं ये डैडी पारा वाला, ये दोनों जेसिका का है। दोनों जेसिका पहन के देखो, थोड़ा सा देखो पहन के देखो। अरे आ जाओ, वाओ सो ब्यूटीफुल। यही पहन के जाएंगे भाई आज, ठीक आज के जाना है। कहाँ? बोलो शादी में। शादी में वो पुंपु। और ये भी पहन के दिखाओ। अगर इधर इसको भी देखना है, जल्दी देखो कौन सा अच्छा है। मेरा खुद अच्छा। मजा आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी है। बच्चे इसमें डालो पे। मेरा बच्ची बहुत बड़ा है ये। कुछ नहीं इसको बड़ा नहीं। लाख बार ढूंगला अगले साल पहने। अनसाइज तो ये बड़ा है, ये अगले साल पहनने के लिए। नहीं इसमें फूफू नहीं है। और ये पहन के दिखा। रुको डैडी खोल देते हैं। ये खुल गया। रुको ये ऐसे टाइप ही है। अम्मा खुल दो। खोल दो, बहुत हैवी है, आ जाओ। बड़ा खोल दो उनको। मैं मम्मा वाला नूतन किन्तु बहुत पसंद आया उसको वो वाला, है ना जेसिका? हाँ जेसिका को पसंद आया। ये पहन के देखो थोड़ा सा ये। हाँ पहन के हाथ है। ये वाला है ठीक है। ये ऐसे ही है, इधर देखो ऐसे करके। कौन है ये पीछे से? लो हो गया। अरे हो गया, रुको अभी इसको देखी। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है वो, ये दूसरा वाला नहीं है। ऐसे है कोयले कोयले एक फिंगर सिंगल ओनली वन। बस हो गया ऐसे ही है ये। ये वन फिंगर से होता है भाई, वन फिंगर। ओ देखो वन फिंगर। चलो यस, ये क्या है? ये ऐसे ही है, गलाम नहीं। दिखाओ ऐसे, दिखाओ कितना सुंदर है, दिखाओ ऐसे ही है बेटा। ऐसे नहीं, सुंदर वाला ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं। तो ये फिर से रिटर्न कर दूँ ये वाला? नो नो नो, ये वाला मैं अभी नहीं, ये दे, ये खुल दो, ये रिटर्न ये नहीं लगता। ये ऐसे है, ओ देखो ये ऐसे होता है ऐसे। एक ही फिंगर होता है भाई इसमें। ये रख दो अगले साल के लिए। इधर आ जा, इधर आ जा मेरे पास आ जा।
रखने दे। नहीं क्या नहीं जाना शिकला? ओड़ी वाव। हाल चे, हाल, हाल, हाल। से हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। हम अब शादी में जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं शादी में, रिसेप्शन पार्टी। और मेरी बेटी को तुम कुछ बोलना चाहती हो? देखो मेरा ये आज पूरा रेड रेड है ना, तो भी रेड में बेबी कलर में लेना है। और डैडी डैडी तुम कुछ बोलना चाहती हो? डैडी कुछ भी नहीं बोलना चाहती आपसे, तो मेरा लुक में शादी में जाके दिखाऊंगी क्या पहना है। चलिए तो ये कोना ना तो कि ऑफ हुई ले जाइ मो जाइ पुलिस स्कूल सामने। हां हां वो ये पाके ये तुम्हारे भी पसंद तो। अच्छा अच्छा जाइ मो ना काम जो करो काम करो। शादी से खाना होना खा के अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और जो शादी में आई थी वो मेरा ननंद की थी, यहाँ पे जो मेरे पति को भाई बनाए थे वो है पीछे खड़ा है। तो अभी चलते हैं हम लोग। तो आप लोग देखना मेरी फर्स्ट टाइम जो वीडियो थी इसमें मेरी गला का चीक थी, और लास्ट टाइम जब आया रही थी मैं उस टाइम नहीं थी। तो एक दुकान में जब मैं गिफ्ट लाने गई थी वहाँ पे गिर गई थी, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। तो उनकी जगह पे और कोई होता तो मैं नहीं पा, मतलब मेरी वो गला का चीक मुझे नहीं मिलता। तो अभी जाके देखते हैं उनके पास। तो ये है वो भैया की दुकान जहाँ पे मेरी चीक गिर गई थी। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सच में। ये थी मेरा जो चीक अभी उन्होंने मुझे दे दिया है। तो यहाँ पे शायद 15 ग्राम थी, तो कोई आदमी नहीं दे सकती। उनको मैं सच में मतलब लॉट ऑफ थैंक यू, मैं नहीं बोल रही हूँ मुझे वापस कर रही है, मतलब इसलिए नहीं, मतलब उनका दिल कितना बड़ा है आप देख सकते हो। वो अभी मेरी चीख को लेके कुछ भी कर सकती थी ना। हर कोई बोलता है बंगाली ट्राइब, ऐसा कोई नहीं है। हर मतलब टाइप में अच्छा आदमी और हमारी में भी मतलब ख़राब आदमी है। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने ये चीक मुझे दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ सच में। यहाँ पे मैं जिस जगह पे रह रही हूँ यहाँ पे जो बंगाली है ना मुझे बहुत सपोर्ट करता है और एवरीथिंग, मतलब खुद की भाई बहन की जैसे, जैसे कि भाभी के जैसा, ऐसा इतना केयरिंग करता है हर कोई, मतलब इतना रेस्पेक्ट भी करता है। तो इसीलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ, और एक बात, आप लोग प्लीज़ हर टाइम बंगाली ट्राइबल वो सब मत देखना। ट्राइबल बंगाली 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 ट्राइबल हर लोग बोलते हैं हाँ बंगाली ख़राब है, वो है वो है, बस ये सब अभी छोड़ दो। ये हर कोई ऐसा नहीं होता है सच में। तो मैं मुझे पता है आप लोग मुझे बुरा मानने वाले हो, क्योंकि बंगाली के बारे में मैं जो अच्छा बोल रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें और एक बात भी आएगा कि आपकी पति तो बंगाली है। नो, मेरे पति बंगाली बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग क्यों इन्हें वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता, क्वेश्चन करना। जब मेरी 100 क्वेश्चन हो जाएगा तब मैं आंसर आप लोगों को ज़रूर देंगी। तो मेरी वीडियो आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से रहना एंड गुड नाइट। मैं अभी दुकान में हूँ। टाटा।